नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद आसान डिजाइन लाई हूँ, जिसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। यदि सिर्फ सीधा उल्टा बनाने आता हो तो भी आप इस डिजाइन को बखूबी बना सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 14 फंदे डाले हुए। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपको ढेर सारे डिजाइन की जरूरत हो तो आप मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो डिजाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। ये हमारा एज स्टिच है। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। अब इन 4 फंदों को, जिसे हमने उल्टा बुना है, इसे वापस बाएं सिलाई पे कर लेंगे। अब ऊन को दूसरी तरफ करेंगे और इन 4 फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में। तो हमने वापस दाहिनी सिलाई में कर दिया। अब नेक्स्ट 4 फंदे, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3 और 4। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। लास्ट में 5 फंदे बचेंगे, तो उन अपनी ओर करना है। 4 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब इन 4 फंदों को वापस हम बाएं सिलाई पे कर लेंगे, उनको दूसरी तरफ। अब इन 4 फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में, और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। दूसरी लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन लिया जाएगा। तो हमने दूसरी लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब आ जाते हैं हम सामने की तरफ और ये हमारा तीसरा लाइन है। तो हम 5 फंदे सीधा बुन लेंगे। ये हमारा एज स्टिच है और 4 फंदा और। तो 1, 2, 3 और 4। पहला फंदा एज स्टिच है और 4 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब हम उन अपनी ओर करेंगे और अगले 4 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4। अब इन 4 फंदों को हम बाएं सिलाई में करेंगे, थ्रेड को दूसरी तरफ करेंगे और इन्हें वापस दाहिनी सिलाई में। तो हमने वापस दाहिनी सिलाई में कर दिया। अब लास्ट में 5 फंदे बचेंगे, तो उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो इन्हीं 4 लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, 4 फंदों का और 4 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। डिजाइन बेहद आसान है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप अपने स्वेटर में आजमाइए, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।